स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार सन 1905 से 1908 तक। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। वर्ष 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप 1921 में प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता भी कहा जाता है। वर्ष 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। वर्ष 1942 व 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों में असफल कैबिनेट मिशन। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। Thanks for watching. Please like, subscribe and share for more interactive content for UPSC exam. Thanks again.